गोरखपुर महाराजगंज दौरा आज, सीएम आज गोरखपुर में लगाएंगे जनता दरबार। महाराजगंज में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एनआईडी फाउंडेशन का कार्यक्रम। शाम में लखनऊ वापस आएंगे सीएम योगी। सीएम योगी का गोरखपुर महाराजगंज दौरा आज, सीएम आज गोरखपुर में लगाएंगे जनता दरबार। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर आज सीएम का दौरा गोरखपुर और महाराजगंज। सीएम आज गोरखपुर में लगाएंगे जनता दरबार। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी का आज गोरखपुर और महाराजगंज दौरा। सीएम आज गोरखपुर में लगाएंगे जनता दरबार। महाराजगंज में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एनआईडी फाउंडेशन का कार्यक्रम। शाम में लखनऊ आएंगे वापस सीएम योगी। सीएम योगी का गोरखपुर महाराजगंज दौरा आज, सीएम योगी आज गोरखपुर में लगाएंगे जनता दरबार। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी का आज गोरखपुर और महाराजगंज दौरा, जहां मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में लगाएंगे जनता दरबार। इसी खबर पर हमारे संवाददाता महाराजगंज से ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है महाराजगंज में, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की गई हैं योगी के आगमन को लेकर? आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करीब 10:10 पे फरिंदा विधानसभा के धानी में पहुंचेंगे। वहाँ जो बाढ़ पीड़ित है उनको राहत सामग्री वितरण किया जाएगा। उसके बाद सीएम योगी महाराजगंज से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। जी अब ब्रजेश, अब बात किया कि बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करने की बात कही जा रही है, तो आखिर यह मुलाकात सीएम कहाँ करेंगे? क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई व्यवस्था दुरुस्त कर रखी है जहां पर सीएम योगी और बाढ़ पीड़ितों की मुलाकात कराई जा सके? जी आपको बता दें कि नेपाल में जब भी लगातार बारिश होती है, उस बारिश से जो है महाराजगंज का जो क्षेत्र होता है वो बाढ़ से ग्रसित होता है। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुआ नहीं, इसके कारण जो है बाढ़ की समस्या नहीं आई। लेकिन जो वो इसकी नदियां हैं, नदियां इस समय उफान है। हालांकि जो धानी का क्षेत्र है वहां पे जो बाढ़ पीड़ित थे, जो पिछली बार भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ थे तो वहां पीड़ितों को राहत सामग्री बांटे थे। हालांकि इस बार भी उनका कार्यक्रम है, बाढ़ पीड़ितों से वह मुलाकात करेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे, उसके बाद जो है जो बाढ़ राहत सामग्री है उसका वितरण करेंगे। जी तो क्या माना जाए कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं महाराजगंज के, क्या उनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों की जो मदद है, उनके जो पुख्ता इंतजाम आते हैं वह नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी महाराजगंज पहुंच रहे हैं? जी कहीं ना कहीं माना जाए कि प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पे आप भी देख सकते हैं। अगर आप प्रशासन मुस्तैद रहता तो सूबे के मुखिया को कमान नहीं संभालना पड़ता। हालांकि सूबे के मुखिया जो है बगल के जिले के जब सांसद थे तब भी जो है महाराजगंज का दौरा किया करते थे। इस बार जो है वो मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो हालांकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हैं उनको जो है किसी तरीके की समस्या ना आना पाए। हालांकि जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं कि जो बंदे हैं बंदे की मरम्मत कर दी गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से केवल कागजों में ही खामोशी की जाती है। हालांकि जो जमीनी हकीकत होता है, जमीनी हकीकत पे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। जी ब्रजेश, सीएम का दौरा है, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी है, तो क्या एक विशेष पैकेज मिलने की संभावना भी है महाराजगंज को आज? जी बता दें कि
जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए दाल चावल और चने और तमाम जो खाने की सामग्री है वो वितरण किया जाएगा। हालांकि जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री के आने को लेके काफी मुस्तैद है। जी तो सीएम का वाराणसी भी दौरा है, आज सीएम वाराणसी भी जाएंगे जहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, साथ ही अधिकारी कर्मचारियों से भी मुलाकात करके जायजा लेंगे व्यवस्थाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वाराणसी दौरे पर भी आज बंद करके दोबारा चलो। जाएंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता अंतिमा सिंह भी मौजूद हैं। अंतिमा, आज वाराणसी दौरा भी है सीएम योगी आदित्यनाथ का, किस वजह से दौरा वाराणसी का किया जा रहा है, क्या बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की जाएगी, क्या सरकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किस तरह की वहां पर आज योगी आदित्यनाथ अपनी जो मुहिम चलाएंगे वाराणसी में। अंतिमा, ये आपको बता दें कि वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज लगभग गोरखपुर के बाद 3 बजे वाराणसी में दौरा होगा। इस दौरान वह वाराणसी में हेलीपैड उतरेंगे, वहां से वह इंग्लिशिया लाइन से वह जाएंगे सारनाथ में, एक पार्क है वहां, कार्यक्रम में भाग लेंगे। और वहीं इस दौरान ही वह जो देव दीपावली आने वाला है इससे रिलेटेड वह जानकारी लेंगे और जायजा लेंगे तमाम तरीकों का, क्योंकि देव दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जा सकता है। और काशी की बात की जाए तो काशी में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, तो बैठक भी करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको जानकारी के लिए यह बात भी बता दे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी में 101वां ये दौरा होगा, क्योंकि इसके पहले उन्होंने 100 बार का दौरा पूरा कर लिया। ऐसा पहला सीएम होंगे जो यूपी में वाराणसी का 100 दौरा पूरा किए हुए हैं। आज उनका 101वां दौरा होगा और वहीं 89 लगभग काशी विश्वनाथ का भी उन्होंने दर्शन किया है, तो यह तरीके से रिकॉर्ड तोड़ भी कहा जा सकता है। और आज पुनः सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं लगभग 3 बजे, तो वो बैठक भी करेंगे। और बाढ़ की बात आपने जैसे पूछा कि बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे या नहीं, अभी तो इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि वाराणसी में भी बाढ़ की अगर बात की जाए तो बाढ़ लगभग पहले के मुकाबले अब 3 बार ऐसा हुआ है कि बनारस में बाढ़ 3री बार बढ़ना शुरू हो गया है। इस बाढ़ की वजह से नौका संचालन पर भी असर पड़ा है, नाव रुक गया है। फिलहाल अभी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे इसकी जानकारी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर यहाँ पे जो सारनाथ स्थित है वहाँ कार्यक्रम है, वहाँ भाग लेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। जी अंतिमा, क्या माना जाए कि जिस तरह से पिछले दीपावली का जो पर्व था उसमें अयोध्या दीपों से जगमगा गई थी, तो क्या इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, क्या जो 80 घाट वगैरह हैं, क्या काशी को भी दीपों से सजाया जाएगा, क्या रिकॉर्ड तोड़ दीप जलाने की कोई वहां पे ऐसी प्रोसेस अधिकारी कर्मचारियों या योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है। ये आपको बता दे अगर देव दीपावली की बात करते हैं तो काशी में देव दीपावली का एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि जब काशी में भगवान देवताओं जब खुश हो जाते हैं तो नीचे उतर कर वो देव मनाया जाता है, एक तरीके से देवों की दीपावली इसे कह सकते हैं, तो काशी में एक इसका अलग ही महत्व है। हालांकि अगर इस बार की बात करते हैं तो इस बार बाढ़ आ गया है, बाढ़ की रफ्तार लगभग 6 सेंटीमीटर के घंटे से रफ्तार से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि गंगा के जलस्तर के बढ़ने की वजह से जो देव दीपावली का पर्व है उस पे असर देखने को मिलेगा अगर ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा। हालांकि अगर गंगा का जलस्तर घट जाता है तो जिस तरह से पिछली बार वाराणसी में काशी का पूरा 84 घाट एकदम एकदम जो है आपको बता दे कि दीपों से एकदम जगमगा उठा था, ठीक उसी तरह इस बार भी दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से काशी को सजाया जाता है, दुल्हन की तरह रूप दिया जाता है, कहीं ना कहीं इस बार भी यह रिकॉर्ड टूटने को मिलेगा। अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो, यह तमाम धार्मिक स्थलों पे इसका अलग ही महत्व होता है। अगर इस बार की बात करते हैं तो अगर माँ गंगा का जल स्तर स्थिर हो जाता है तो आगे आने वाले समय में जो देव दीपावली का टाइम पड़ता है लोग हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना आना पाए। हालांकि जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं कि जो बंदे हैं बंदे की मरम्मत कर दी गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से केवल कागजों में ही खामोशी की जाती है। हालांकि जो जमीनी हकीकत होता है, जमीनी हकीकत पे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। जी ब्रजेश, सीएम का दौरा है, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी है, तो क्या एक विशेष पैकेज मिलने की संभावना भी है महाराजगंज को आज? जी बता दे कि
जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए दाल चावल और चने और तमाम जो खाने की सामग्री है वो वितरण किया जाएगा। हालांकि जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री के आने को लेके काफी मुस्तैद है। जी तो सीएम का वाराणसी भी दौरा है, आज सीएम वाराणसी भी जाएंगे जहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, साथ ही अधिकारी कर्मचारियों से भी मुलाकात करके जायजा लेंगे व्यवस्थाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वाराणसी दौरे पर भी आज जाएंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता अंतिमा सिंह भी मौजूद हैं। अंतिमा, आज वाराणसी दौरा भी है सीएम योगी आदित्यनाथ का, किस वजह से दौरा वाराणसी का किया जा रहा है, क्या बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की जाएगी, क्या सरकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किस तरह की वहां पर आज योगी आदित्यनाथ अपनी जो मुहिम चलाएंगे वाराणसी में? अंतिमा, ये आपको बता दें कि वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज लगभग गोरखपुर के बाद 3 बजे वाराणसी में दौरा होगा। इस दौरान वह वाराणसी में हेलीपैड उतरेंगे, वहां से वह इंग्लिशिया लाइन से वह जाएंगे सारनाथ में एक पार्क है, वहां कार्यक्रम में भाग लेंगे। और वहीं इस दौरान ही वह जो देव दीपावली आने वाला है इससे रिलेटेड वह जानकारी लेंगे और जायजा लेंगे तमाम तरीकों का, क्योंकि देव दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जा सकता है। और काशी की बात की जाए तो काशी में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, तो बैठक भी करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको जानकारी के लिए यह बात भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी में 101वां यह दौरा होगा, क्योंकि इसके पहले उन्होंने 100 बार का दौरा पूरा कर लिया। ऐसा पहला सीएम होंगे जो यूपी में वाराणसी का 100 दौरा पूरा किए हुए हैं। आज उनका 101वां दौरा होगा और वहीं 89 लगभग काशी विश्वनाथ का भी उन्होंने दर्शन किया है, तो यह तरीके से रिकॉर्ड तोड़ भी कहा जा सकता है। और आज पुनः सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं लगभग 3 बजे, तो वो बैठक भी करेंगे। और बाढ़ की बात आपने जैसे पूछा कि बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे या नहीं, अभी तो इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि वाराणसी में भी बाढ़ की अगर बात की जाए तो बाढ़ लगभग पहले के मुकाबले अब 3 बार ऐसा हुआ है कि बनारस में बाढ़ 3री बार बढ़ना शुरू हो गया है। इस बाढ़ की वजह से नौका संचालन पर भी असर पड़ा है, नाव रुक गया है। फिलहाल अभी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे इसकी जानकारी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर यहाँ पे जो सारनाथ स्थित है वहाँ कार्यक्रम है, वहाँ भाग लेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। जी अंतिमा, क्या माना जाए कि जिस तरह से पिछले दीपावली का जो पर्व था उसमें अयोध्या दीपों से जगमगा गई थी, तो क्या इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, क्या जो 80 घाट वगैरह हैं, क्या काशी को भी दीपों से सजाया जाएगा, क्या रिकॉर्ड तोड़ दीप जलाने की कोई वहां पे ऐसी प्रोसेस अधिकारी कर्मचारियों या योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है? ये आपको बता दें, अगर देव दीपावली की बात करते हैं तो काशी में देव दीपावली का एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि जब काशी में भगवान देवताओं जब खुश हो जाते हैं तो नीचे उतर कर वो देव मनाया जाता है, एक तरीके से देवों की दीपावली इसे कह सकते हैं, तो काशी में एक इसका अलग ही महत्व है। हालांकि अगर इस बार की बात करते हैं तो इस बार बाढ़ आ गया है, बाढ़ की रफ्तार लगभग 6 सेंटीमीटर के घंटे से रफ्तार से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि गंगा के जलस्तर के बढ़ने की वजह से जो देव दीपावली का पर्व है उस पर असर देखने को मिलेगा अगर ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा। हालांकि अगर गंगा का जलस्तर घट जाता है तो जिस तरह से पिछली बार वाराणसी में काशी का पूरा 84 घाट एकदम जो है आपको बता दें कि दीपों से एकदम जगमगा उठा था, ठीक उसी तरह इस बार भी दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से काशी को सजाया जाता है, दुल्हन की तरह रूप दिया जाता है, कहीं ना कहीं इस बार भी यह रिकॉर्ड टूटने को मिलेगा। अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो, यह तमाम धार्मिक स्थलों पे इसका अलग ही महत्व होता है। अगर इस बार की बात करते हैं तो अगर माँ गंगा का जल स्तर स्थिर हो जाता है तो आगे आने वाले समय में जो देव दीपावली का टाइम पड़ता है काफी भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। अगर यह गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता आता तो कहीं ना कहीं इससे यह देव दीपावली का पर्व प्रभावित होगा, क्योंकि देव दीपावली घाटों पर मनाई जाती है और वहां घाटों पर अगर गंगा का जल स्तर बढ़ने लगेगा तो कहीं ना कहीं घाटों का जो संपर्क है वह टूट जाएगा और फिर से जो देव दीपावली का मनाने का जो एक जज्बा होता है लोगों के अंदर वह कहीं ना कहीं पीछे हटता नजर आएगा, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से घाटों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा और वहां दीप प्रज्वलित तो दूर की बात है, वहां पर्यटक
तक खड़े भी नहीं हो सकते हैं। और आपके बता दें कि जानकारी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए गए, पर्यटक अधिकारी को भी लगाया गया है, क्योंकि एक तरीके से सीएम उत्तर प्रदेश के मुखिया माने जाते हैं और वह तमाम कई बार ऐसे हो चुका है कि काशी आ चुके हैं और एक तरीके से उनका घर ही मान सकते हैं, क्योंकि लगातार वो कई बार 101 बार ये हो गया है। तो प्रशासन भी एक तरीके से उनके स्वागत के लिए किसी भी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ती है। हालांकि अब यह देखने वाली बात है कि क्या देव दीपावली को लेकर क्या निर्देश देते हैं योगी आदित्यनाथ, यह उनके आने के बाद पता चलेगा। जी फिलहाल अंतिमा से हैं और ब्रजेश गुप्ता, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे वाराणसी संवाददाता अंतिमा से हैं और महाराजगंज संवाददाता ब्रजेश गुप्ता, जो सीएम योगी के दौरे को लेकर जो सारी अपडेट है, पूरी अपडेट है हम तक साझा कर रहे थे। तो आज